गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे जेई इलेक्ट्रिकल के एग्जाम के बारे में जो कंडक्ट कराता है हमारा एचपीएसएससी, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 200 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल राउंड के और 50 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास जीएस राउंड के। अगर हम इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास इंटरव्यू रहता है 30 मार्क्स का, जिसमें हमारे पास अगर हम टेक्निकल राउंड की बात करें तो हमारे पास मेन फोर कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो 40 प्लस माइनस 5 क्वेश्चंस रह सकते हैं, जिनमें फर्दर आगे हमारे पास टॉपिक्स हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें से 7 to 9 क्वेश्चन वेरी करते हैं। डीसी सर्किट की अगर हम बात करें तो 6 to 8 क्वेश्चन इसमें से वेरी करेंगे और मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग 3 to 5 क्वेश्चन रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहते हैं नॉर्मली, जो कि 5 to 6 तक रहते हैं। अगर एसी सर्किट्स की बात करें तो इसमें भी आरएलसी, आरएल और आरसी सर्किट्स के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जिसमें रेजोनेंस भी इंक्लूड है। पॉलीफेज सिस्टम में से 3 to 4 क्वेश्चन रहते हैं, बैटरीज के रिगार्डिंग हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली, और इसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट्स है दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में हमारे पास डीसी मशीन्स रहती हैं, जिसमें डीसी मशीन्स के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं डीसी सीरीज और शंट मोटर के बारे में, जिसमें 7 to 10 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। ट्रांसफार्मर जो कि बहुत ही मेन सब्जेक्ट्स है, इसमें से हमारे पास 15 to 20 क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली। इसके अलावा सिंक्रोनस मशीन के बारे में हमारे पास 5 to 7 क्वेश्चन रहते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में 7 to 9 क्वेश्चन, और इसके अलावा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारे पास 3 to 5 क्वेश्चन रहते हैं ये नॉर्मली रहते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सीरीज मोटर में से, एसी सीरीज मोटर और उसके अलावा स्टेपर मोटर में से। नेक्स्ट इज अवर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो मेनली क्वेश्चन रहते हैं दैट इज 30 plus minus 5 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, जिसमें से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चन रहते हैं जो 7 to 10 तक वेरी करते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 9 to 14 क्वेश्चन वेरी करते हैं। इसके अलावा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो कि इलेक्ट्रिकल पावर का थोड़ा मेन सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमारे क्वेश्चन रहते हैं अप्रॉक्सीमेट 8 to 11 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें से क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास टोटल 12 plus minus 2 क्वेश्चन रह सकते हैं। ओके, आफ्टर इसमें हमारे पास फर्दर आगे बेसिक रहता है, मेन बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमारे पास इसमें रहता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में, इसमें 5 to 7 क्वेश्चन हमारे पास वेरी करते हैं बेसिक में से, और इसके अलावा आल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है और इसके अलावा मीटर्स हैं उसमें से भी हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं अप्रॉक्सीमेट 5 to 7। ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन ब्रिजेस में से रहते हैं, जिसमें हेवल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और वेन ब्रिज वगैरह हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास अदर 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनमें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जो क्वेश्चन रहते हैं 7 to 8 तक, और इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन रहते हैं 5 to 7 तक, एंड अदर सब्जेक्ट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 4 to 6 तक वेरी करेंगे, और इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से भी 5 to 7 तक क्वेश्चन रहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं 4 to 6, जिसमें इसकी नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज रहती हैं। उसके अलावा हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट रहता है, जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं 3 to 4 क्वेश्चन तक वेरी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम इस पूरे टेक्निकल कोर की बात करें तो हमारे पास इसके लिए कुछ बुक्स हैं जो रेफर हम करते हैं, डेट इज डिप्लोमा लेवल की बुक जो नॉर्मली आप स्टडी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप आर के राजपूत की बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं कुछ वेबसाइट में, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स वेबसाइट है वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा careerright.com, यहां से आपको MCQs मिल सकते हैं जो आप फर्दर स्टडी करेंगे विद द रीजनिंग, कि इसमें रीजनिंग भी दी होगी हर क्वेश्चंस के लिए आपको अवेलेबल होगा। और इसके अलावा अगर आप वीडियोस या नोट्स पर जाना चाहते हैं तो nptel.ac.in वेबसाइट है, जिससे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और इसमें जो कट ऑफ रहता है कंप्लीट एग्जाम का दैट इज जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास रहता है 140 to 150 तक, ओबीसी के लिए रहता है 125 to 130 तक। इसके अलावा जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए इनके लिए सिमिलर रहता है 110 to 120 तक जो इसका कट ऑफ रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो 50 मार्क्स का जीएस सेक्शन है, जीएस सेक्शन में हमारे पास एचपीजी के, जनरल साइंस, इंडियन जीके, इंग्लिश एंड हिंदी, रीजनिंग एंड वर्ल्ड जीके, ये ओवरऑल पैकेज हमारा बनता है 50 मार्क्स का। इसमें हमारे पास अदर 30 मार्क्स इंटरव्यू आफ्टर एग्जाम होगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसमें हमारे पास जो कोर्सेज हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं उसमें हमारे पास 3 month का पीरियड रहता है, जिसमें आपकी 3 to 4 और क्लासेज रहती हैं 6 days per week, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो स्पेशल क्लासेस लगती हैं आपकी पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन और वीडियोस के रिगार्डिंग जो आपको करवाई जाती हैं, और टाइम टू टाइम वीकली आपके टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं एमसीक्यू रिलेटेड, ताकि आप प्रिपेयर टाइम टू टाइम हो सकें। और इसके अलावा हमारे जो सेंटर्स हैं सोलन, शिमला, धर्मशाला एंड सुंदरनगर।